कानपुर से खरीदारी कर घर वापस जा रहे एक बाइक से तीन युवकों की बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं तीसरे युवक की हालत भी गंभीर बताई जा रही है, जिसका हैलट हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। देर रात सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, जिसके बाद पोस्टमार्टम पहुंचकर मृतकों के तीमारदारों ने रात में ही पोस्टमार्टम कराने की बात कही, पोस्टमार्टम के कर्मचारी से कही, जिस पर उन्हें सुबह आने की बात कही, जिसे नाराज तीमारदारों ने पोस्टमार्टम के कर्मचारियों को जमकर पीट दिया। पिटाई की घटना पोस्टमार्टम में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। वहीं पोस्टमार्टम के कर्मचारियों का कहना है कि कुछ युवक कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल के कर्मचारी थे, जो शराब के नशे में आकर गाली गलौज कर रहे थे और रात में ही पोस्टमार्टम कराने की बात कह रहे थे। जब रात उसने पोस्टमार्टम होने से मना कर दिया तो उस बात से नाराज होकर वह मारपीट करने लगे थे। पीड़ित ने स्वरूप नगर थाने में घटना के संबंध में तहरीर दे दी है। वहीं स्वरूप नगर थाना प्रभारी का कहना है कि पीड़ित की तहरीर मिली है, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, मुकदमा पंजीकृत कर उचित कार्रवाई की जाएगी। हमारा भाई बबलू साथ में था और उसके साथ में पंकज था, दोनों मोटरसाइकिल से कानपुर से गांव जा रहे थे, जिससे उनकी मोटरसाइकिल स्पीड में ज़्यादा थी और वो पेड़ से टकरा गया, सर में चोट आने से उन लोगों की मौत हो गई। दोनों की बॉडी पोस्टमार्टम आ गई। हाँ, बॉडी पोस्टमार्टम। आपका क्या नाम है? शिव शंकर। मेरी तरफ से आज सभी करनाल वासियों को, प्रदेश वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिवाली का त्यौहार सभी के लिए खुशियां लेकर आए। इसी के साथ सबको, सारे प्रदेशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपनी तरफ से व अपनी हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। और एक ईमानदार दोबारा मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार बनने जो जा रही है हरियाणा में, उसके लिए भी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये हमारे हरियाणा के जो सीएम हैं, जो बनने जा रहे हैं, आज तक इनके जैसा ईमानदार सीएम ना पहले कभी आया है और ना मैं समझता हूँ कभी आएगा। सभी प्रदेशवासियों को दोबारा सीएम साहब के शपथ समारोह पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं जगजीत सिंह अरोड़ा सभी करनाल वासियों को व प्रदेश वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वह मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये दिवाली सभी के लिए मंगलमय हो, शुभकामना ये दिवाली सबके लिए शुभकारी हो और अच्छे से अच्छे कार्य हों। और मैं एक बार पुनः सभी को दिवाली की व भैया दूज की शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के यूथ प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह अरोड़ा तथा समाज सेवी जगजीत सिंह अरोड़ा की ओर से सभी प्रदेश वासियों और जिले की जनता को प्रकाश दिवस, शुभ दीपावली तथा भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के स्टेट यूथ प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह अरोड़ा तथा समाज सेवी जगजीत सिंह अरोड़ा तथा समाज सेवी यादविंदर सिंह अरोड़ा एवं परमजीत अरोड़ा वाहेगुरु से कामना करते हैं कि आपका परिवार सदैव खुशहाल रहे और धन धान्य से भरपूर रहे। सभी प्रदेश वासियों और जिले वासियों को एक बार फिर से आप सबको हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के स्टेट यूथ प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह अरोड़ा के परिवार की ओर से दीपावली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।
JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें धन्यवाद